मैं मुस्कान मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूपी लाइव 100 न्यूज चैनल पर। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से बने रहिए हमारे साथ यूपी लाइव 100 न्यूज पर। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सोनभद्र सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार भारती ने श्रावस्ती जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। श्रावस्ती जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय भिंगा में पहुंचकर सोनभद्र सीएचसी के अधीक्षक डॉक्टर राकेश कुमार भारती ने ग्रामीण क्षेत्रीय लोगों के साथ मिलकर श्रावस्ती जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन और अपील करते हुए कहा कि जो खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई है वह पूरी तरह से झूठी और निराधार है। इस बात को लेकर जब मौजूद क्षेत्रीय लोगों से पूछताछ किया गया तो उन्होंने भी मीडिया टीम को जानकारी देते हुए बताया कि जो दोष डॉक्टर व फार्मेसिस्ट पर लगाए गए हैं उसमें किंचित मात्र भी सच नहीं है। यह सब एक षड्यंत्र के तहत झूठी शिकायत करके इनको प्रताड़ित करने की साजिश की गई है। उसी की गहनता के साथ जांच करवा लीजिए व उचित कार्यवाही कीजिए। साथ ही जनता के हितों की सुरक्षा करने व हम सभी लोगों व हमारे परिवार के स्वास्थ्य हेतु डॉक्टर राकेश भारती व उनके साथियों को अस्पताल में ही कार्य करने दिया जाए और उनको प्रताड़ित न होने दिया जाए। और ऐसा है लोग इनको करवाने के लिए कोई अच्छा डॉक्टर जब आता है तो ऐसा है जो कमाई कर रहे थे और कमाई हो नहीं पा रही है इसीलिए ट्रांसफर करवा डॉक्टर पर करवा रहे हैं। हमारे यहाँ जो डॉक्टर राकेश कुमार भारती हैं वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और कुछ लोग जो छोटे डॉक्टर हैं वो उनको रहने नहीं देना चाहते हैं इसलिए कि वो अच्छा काम करते हैं, किसी को पैसा पैसे देते नहीं है, किसी को कमाने देते हैं। हम डॉक्टर साहब का बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, इनका काम था ट्रांसफर करवाओ थे लूटे खा वाले और काबल थे इनका बहुत बढ़िया डॉक्टर है। कोई पैसा कोई न ले दे चाहे गरीब आओ चाहे अमीर आओ और ये इनका हटाओ के कर महीने यही रहा काबल है बस यही इतना ट्रांसफर न हो यही मांगे खचर आए रहे तो नहीं सुने कुछ नहीं सुने जी हाँ। सनवा का मूल निवासी अभी जो हम लोगों के साथ में जो भी जनता आई हमारे साथ करीब 30-35-40 लोग आए हुए हैं और हमारे यहाँ जो सनवा स्वास्थ्य केंद्र में जो भी डॉक्टर साहब नया आए हैं राकेश कुमार भारती जी उनका जो है कार्य जो बहुत अच्छा है। लोग की दुख दर्द और समस्या को समझते हैं। किसी भी समय कोई की आवश्यकता लगती हो तो अपना खुद निजी गाड़ी से या पैदल चल के उसकी समस्या का निदान करते हैं। उसमें से कुछ उन्हीं के स्टाफों का मतलब आरोप है कि डॉक्टर साहब जो है पैसा लेके और पर्चा बाहर से बना के इस तरीके से काम करते हैं जो कि गाँव वालों को एक चीज़ गलत लगी। और उनके जो स्टाफ में कोई संजय त्रिपाठी नए फार्मेसिस्ट आए हुए हैं उनका कहना यह है कि डॉक्टर साहब का ट्रांसफर करवा दिया जाए। लेकिन हमारे गांव के मतलब जनता संतुष्ट होने के नाते डीएम साहब को ये विज्ञापन देने आए थे कि हम लोग चाहते हैं कि डॉक्टर राकेश भारती को सनवा केंद्र से नहीं हटाया जाना चाहिए। मेरा नाम रोहित कुमार वर्मा है और हमारे सनवा सीएससी पर राकेश कुमार भारती डॉक्टर साहब जो आए हैं बहुत ही अच्छे स्वभाव के हैं और उनका जो इलाज का कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। हम सभी लोग वहाँ पर उनके पास जाते हैं और किसी भी प्रकार का भेदभाव ना रख करके वो हम लोगों का इलाज करते हैं और हमारी पूरी जनता का भी इलाज करते हैं। उनके साथ में उनके ही कर्मचारी उनके ऊपर दोषारोपण करते हैं कि वो धन उगाही का काम कर रहे हैं जबकि सर्वथा गलत है। जो उनके ऊपर आरोप लगाने का काम कर रहे हैं उनका ही काम ऐसा था वो बंद हो गया है और इस कारण से उनके ट्रांसफर को लेकर के वो काफ़ी परेशान है और उनका ट्रांसफर करवाने का काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर आए हुए थे डीएम कार्यालय पर, यहाँ पर उनके स्टोनों ने हम लोगों से अब ज्ञापन लिया लेकिन डांट प्रकार करके भगा दिया। डीएम साहब से हमको मिलने नहीं दिया और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए और अभी भी हम सोच रहे हैं कि उनसे मिल करके ही जाएं लेकिन ऐसा संभव नहीं लग रहा है। हम चाहते हैं कि डीएम साहब उचित कार्रवाई करें और डॉक्टर साहब का जो राकेश कुमार भारती जी हैं उनका ट्रांसफर रोकें और जनता के हित में ये बहुत ही नेक काम होगा। जानते हैं जो हमारे सनवा में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र सीएससी है उसमें डॉक्टर राकेश भारती जो आए हैं वो बहुत बढ़िया डॉक्टर हैं। हम लोगों को बहुत सुविधा मिलती है रात में या सुबह जब जाए तो डॉक्टर साहब सुविधा देते हैं। जो आरोप है इनका कुल दिए तो प्रसाद जो उनका आरोप गलत है वो कह रहे हैं कल से डॉक्टर साहब पर्चा लिखते पर्चा कोई डॉक्टर साहब नहीं लिखते हैं। हम लोग कल जब कहते हैं कोई दवा नहीं होती है हॉस्पिटल में तब पर्चा डॉक्टर साहब बाहर के लिए लिखते हैं। हम लोग जाते हैं दवा लेने वहाँ सरकारी अस्पताल में वो कहते हैं वहाँ पैसा लाओ तो दवा दें।
हम लोग अब ये भविष्य से बहुत परेशान है जो यहाँ हैं। ये डॉक्टर साहब भारती को यहाँ रहना चाहिए सोनवा में। दूर दूर जाकर हम लोग भिनगांव बहराई जाते थे दवा कराने के लिए, और सुविधा हमें सोनवा में मिल रही है इस समय। इसीलिए हम लोग करीब 50 लोग यहाँ आए हैं डीएम साहब के यहाँ। यहाँ पे कोई सुनवाई हम लोगों की नहीं हुई। डीएम साहब अंदर से नहीं निकले, कोई बाबू निकले हैं। वो अप्लीकेशन लेने के बाद हम लोग कहे जाओ ट्रांसफर तो सबका होता है यहाँ पे। के लिए हम लोग 50 आदमी यहाँ आए हैं।